करवा चौथ के पावन अवसर पर पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा, हाथों में मेहंदी लगाकर और साज श्रृंगार कर करवा चौथ का पूजन किया। होटल मैरिट में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और करवा चौथ का विधि विधान से पूजन किया। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों पर भी साफ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां त्योहारों की खरीदारी में सावधानियां बरती जा रही हैं, वहीं आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बातों का ध्यान रखा जा रहा है। करवा चौथ पर खरीदारी से लेकर पूजा के दौरान भी महिलाओं ने सावधानियां बरतीं। संक्रमण के चलते इस साल करवा चौथ का स्वरूप भी बदला नजर आया। बावजूद इसके महिलाओं ने महामारी के इस दौर में भी रस्मों रिवाज को निभाने की बात कही। एक्चुअली क्या है, जैसा हर साल होता है वैसी तो चीज़ें इस बार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है 100%। कोरोना में जैसे इतना सब कुछ नेगेटिव हुआ है, उसके बावजूद इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ट्रेडिशन कभी नहीं भूलते हैं, रस्म रिवाज सब कुछ वैसे 100% फॉलो किए जाते हैं। और इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम आज 8 महीने हो गए हैं लॉकडाउन में और तैयार हो रहे हैं, सज रहे हैं, यहाँ पर कथा हो रही है, पूजा हो रही है। तो कोरोना को भी एक संदेश इंडिया दे रहा है कि कितनी भी महामारी नेगेटिविटी आ जाएगी, लेकिन इंडिया पॉजिटिव होना नहीं छोड़ेगा और अपने रस्म रिवाज बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग बहुत इन्जॅय कर रहे हैं। मास्क आके सैनिटाइज करना है, 2-3 दिन रखना है, वैसी सारी चीज़ें हैं ही नहीं, पर हाँ सेफ्टी के साथ किया और बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ किया बहुत। हाँ, इस बार तो रियली काफ़ी कुछ अलग है, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा भी। जैसे कि दिवाली चली गई, गणपति चले गए, नवरात्रे चले गए, बट था ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। बट लेकिन ये एम ग्रुप को थैंक्स है, ये डी पी ज्वेलर्स को थैंक्स है कि इन्होंने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इनका ऑर्गेनाइजेशन किया एंड हम लोग को मौका दिया कि हम लोग आकर इकट्ठे मिलें सबसे। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी समय बाद आए हैं, तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम शायद कोरोना को भी इसी तरह से हरा दें और आगे कंटिन्यू करें। चैलेंजिंग तो सर बहुत था। अपन लोग ने आजकल होम डिलीवरी हो गई हैं, ऑनलाइन हो गया है, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ बढ़ गई है, तो उस चीज़ की इतनी वो नहीं है कि हम अपना घर बैठे ही काफ़ी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। तो उस चीज़ का इशू नहीं है कि हमें भीड़ भाड़ से दूर रहकर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी कंटिन्यू कर लेते हैं। महिलाओं ने रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया। हालांकि लॉकडाउन और पति की जेब पर हुए असर की बात भी कही। सबसे पहले तो पूजा के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए पूजा है, और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा थी शॉपिंग वगैरह करना, क्योंकि बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है और साथ में कोरोना चल रहा है। तो घर आने पे बस ऐसे ही लग रहा था कि अपन कहीं कोरोना साथ में ना लेके आ जाए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये सब कुछ। बट ठीक है, हम अब इन्जॉय कर रहे हैं और कोरोना के बाद में हम करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे दिवाली आने वाली है, वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पड़ा है पति की जेब पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस हो चुकी थी, बट अब ठीक है लॉकडाउन के बाद में थोड़ी सी बैलेंस हो रही है, बट फ़र्क पड़ा है पतियों की जेब पे। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। चैलेंजिंग तो है, लेकिन हम लोग इसके साथ ही हमें चलना ही पड़ेगा, ये सब ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशन लेकर के, और लाइफ को इजी तो करना ही पड़ेगा, तो सारी प्रिकॉशन लेकर के हम लोगों ने तैयारी भी की है। काफ़ी अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है एम ग्रुप ने, और प्रिकॉशन लेकर के और करवा चौथ की प्रिपरेशन की है, आगे भी करेंगे और चलना ही है इन सब चीज़ों के साथ, नॉर्मल होना ही पड़ेगा। डर है, लेकिन अगर ऐसे डर के घर में बैठ जाएंगे तो लाइफ किसी की भी नहीं चलेगी, मार्केट भी डाउन जाएगा, हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सारे प्रिकॉशन लेकर के और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मार्केट में भी हम लोग जैसे जाते हैं शॉप वगैरह पे,
वो लोग भी अपना सारा प्रिकॉशन रख रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी खुद रख रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के बावजूद महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।